आज राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच की मासिक बैठक अलवर स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में कलाकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच के अध्यक्ष उमेश सिंह राठौर ने बताया कि हम लोगों द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया था। इसमें 21 सितंबर को प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन आने वाली थी। कलाकारों को कार्यक्रम करने की अनुमति के लिए जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया था। कोविड-19 संक्रमण के कारण कलाकार विगत 6 से 7 महीनों से बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं और परिवार के भरण पोषण के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आज की बैठक में कलाकारों और संस्था के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार द्वारा गीत संगीत का प्रोग्राम करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई तो हमारी अगली रणनीति यह होगी कि हम सभी कलाकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी कलाकार अपने वाद्य यंत्रों के साथ सड़कों पर उतर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नामित ज्ञापन सौंपने का कार्य करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं गायक उमेश सिंह राठौर, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच आजमगढ़ से। आज राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच की एक मासिक बैठक कार्यालय पर संपन्न हुई और यहाँ पर कलाकारों से जुड़े हुए किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई। सर्वप्रथम हम सभी कलाकार उत्तर प्रदेश, हम तो आजमगढ़ से हैं लेकिन पूरा कलाकार आजमगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश 7 महीने से बैठे हुए हम सभी लोग, और पूर्व में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था जिसमें कार्यक्रम को लेकर जो गाइडलाइन आने वाली थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हम लोग इसी आशा में थे कि जो गाइडलाइन आने वाली है उसमें कार्यक्रम हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन नई गाइडलाइन में मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा जो आई है नई गाइडलाइन, उसमें कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक, दशहरा और दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा में नहीं होने वाला है। उसको लेकर हम सभी कलाकारों ने एक रणनीति तैयार की है इस बैठक में, आज जो बैठक हुई हमारे ऑफिस में, कि हम सभी कलाकार पदयात्रा करेंगे अपने वाद्य यंत्रों के साथ, पूरे शहर में भ्रमण करेंगे और भ्रमण के बाद जिलाधिकारी महोदय को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक ज्ञापन दिया जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई होती है तो हमारे जो संस्था के संरक्षक हैं बड़े भैया अमित यादव जी, जो कि भाजपा के अच्छे लीडर और समाजसेवी भी हैं, इनके माध्यम द्वारा हम लोग मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी जी से मिलने का भी प्रयास करेंगे।